जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे फेवरेट जस्टिस चंद्रचूड़ का जो टेन्योर है वो अब खत्म हो रहा है। वो रिटायरमेंट पे ड्यू है, 10th को वो ऑफिशियली रिटायर हो जाएंगे। और इससे पहले उन्होंने अपना जो फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस किया है वो ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और आज की इस वीडियो में हम इसी जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, ऑमेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। ऑल्दो ये जो जजमेंट है ये फेब्रवरी में ही रिजर्व हो गया था, बट फाइनल जो प्रोनाउंसमेंट हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया है बिफोर हिज रिटायरमेंट। ये जजमेंट है ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा वर्सेस नरेश अग्रवाल एंड अदर्स। अब ये जो जजमेंट है इसमें कुछ सब जजमेंट्स भी हैं जो आपको बैकग्राउंड समझने के लिए जरूरी है। अगर आप किसी भी जैसे क्लैट पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो जजमेंट्स जाने जरूरी हैं। अब यहाँ पर बेसिकली इशू क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में, इशू ये है कि क्या ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, AMU भी है, एक इंपॉर्टेंट पैन इंडिया रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है। तो क्या हम इसको देख सकते हैं कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए? अगर पुराने जजमेंट्स को आप रेफर करोगे तो एस अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जजमेंट आई थी 1967 में। ये जजमेंट थी 5 जज बेंच की। एंड जो प्रेजेंट केस हम कंसिडर कर रहे हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 7 जजेस बिठाई गई है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी जजमेंट को ओवर रूल करना चाहते हो तो आप हायर बेंच बिठाते हो। तो 5 जज बेंच ने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया था कि AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि ये स्टैट्यूट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है। AMU बेसिकली AMU एक्ट 1920 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है बाय द पार्लियामेंट। ये एक लॉ के अंडर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी गई है। अब 2006 में भी जो यहाँ पर केस रेफर हुआ है फर्दर, 2006 में भी एक केस में AMU वर्सेस मले शुक्ला, इस केस में दे रिलाइड ऑन अजीज बाशा का जजमेंट एंड दे कंक्लूडेड AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। वहां पर इशू क्या था कि मुस्लिम्स को 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा था MBBS कोर्स में, तो वो चैलेंज करते करते ये फाइनल जजमेंट आया कि अजीज बाशा में यही बोला गया कि AMU माइनॉरिटी नहीं है। तो इसके बाद 2019 में इशू आता है जो यहाँ पर फर्दर 7 जज बेंच को रेफर किया जाता है, और अजीज बाशा भी यहाँ पर 7 जज बेंच को ही रेफर किया गया है। तो 19 वाला केस जो है वो री रेफरेंस के थ्रू यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर कोर्ट को क्या इश्यूज कंसिडर करने थे? कोर्ट हैड टू सी कि वो क्या इंडिकेटिव फैक्टर्स होते हैं कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कब कंसिडर करोगे, वो क्या फैक्टर्स है। देन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रिगार्ड करने के लिए क्या चीज देखी जाएगी कि इट वॉज एस्टेब्लिश बाय पर्सन बिलोंगिंग टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, या फिर एडमिनिस्टर हो रहा था बाय माइनॉरिटी। फर्दर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज इसके ऊपर ही सारा कंफ्यूजन ज्यादातर बेस्ड है। देन वेदर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश एंड गवर्न, कोई स्टैच्यूट के अंदर अगर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है तो क्या वो माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम कर सकती है। देन 1981 में अमेंडमेंट आया था AMU एक्ट में, जहां पे बेसिकली यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन को अमेंड किया गया था और ये बोला गया था यूनिवर्सिटी का मतलब है कि ये यूनिवर्सिटी जो एस्टैब्लिश करी गई है बाय मुस्लिम्स। और इसमें बेसिकली बादशाह की जजमेंट के बाद इस अमेंडमेंट के थ्रू माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा रहा था टू AMU। तो अब कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना है? अब 7 जज बेंच की मेजोरिटी जजमेंट आई है विथ 4:3 रेशियो, 4 जजेस आर इन फेवर की AMU जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है एंड 3 जजेस आर अगेंस्ट दिस। और जस्टिस चंद्रचूड वॉज हेडिंग दिस बेंच जिनकी तरफ से ये जजमेंट आया है। साथ में संजीव खन्ना भी थे जस्टिस, जो अब हमारे CJI बनने वाले हैं नेक्स्ट, एंड फर्दर जस्टिस पार्दीवाला वॉज देयर एंड जस्टिस मनोज मिश्रा इज ऑल्सो देयर। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि जब हम इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं कि वो माइनॉरिटी है या मेजोरिटी है, हम ये देखेंगे कि उसके पीछे वट वॉज द ब्रेन, हु वॉज द ब्रेन बिहाइंड इट, किन लोगों ने उसको एस्टैब्लिश किया, टू सी इफ इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एस्टैब्लिश किया है देन इट विल बी अ माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूशन एज पर आर्टिकल 30, क्योंकि आर्टिकल 30 की अगर आप डेफिनेशन देखोगे वो बोलता है कि माइनॉरिटीज रिलीजियस हो लिंग्विस्टिक हो दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर दोनों चीजें गिवन है, तो पहले इस्टैब्लिश होना चाहिए बाय माइनॉरिटी। और कोर्ट ने यही बोला कि यह देखा जाएगा कि उस लैंड के लिए फंड्स कौन लाया और क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी ने उस चीज में हेल्प करी कि नहीं। देन फर्दर कोर्ट ने यह बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ माइनॉरिटी के बेनिफिट के लिए ही इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हो, प्रिडोमिनेंटली जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनका बेनिफिट केटर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट करेगी वो यूनिवर्सिटी। देन
कोर्ट ने अजीज बादशाह का व्यू ऑब्वियसली ओवर रूल कर दिया, जो जजमेंट थी वो ओवर रूल हो गई यहाँ पे, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ बोल दिया है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। कोर्ट ने बोला इनकॉर्पोरेशन और एस्टैब्लिशमेंट ये दो वर्ड्स हैं और आप इनको इंटरचेंजेबली नहीं यूज कर सकते। इनकॉर्पोरेशन मतलब जो एएमयू स्टैट्यूट के अंदर ये यूनिवर्सिटी आई इनकॉर्पोरेट हुई, एंड एस्टैब्लिश मतलब इट इज एस्टैब्लिश बाय अ माइनॉरिटी। इनकॉर्पोरेशन मतलब ये एक इंपीरियल लेजिस्लेशन के थ्रू आई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी अगर पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश करी है क्योंकि वो स्टैट्यूट के थ्रू आई थी, इसका मतलब वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। अब ये बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन जब दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट के बाद जो भी ऑटोनॉमी है उस इंस्टीट्यूशन को चलाने की, उसमें जो वैल्यूज हैं जो वो कम्युनिटी एम्फोसाइज करना चाहती है, वो सब चीजें देखना, वो उस इंस्टीट्यूट को चलाना। पहले ये जो राइट है एडमिनिस्ट्रेशन का, दिस इज कमिंग आफ्टर द राइट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। इट इज अ स्पेशल राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज ग्रांटेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो माइनॉरिटी ही चला रही है, टू प्रूव दैट इट इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी नहीं है कि जो हेल्म है ऑफ अफेयर्स वो माइनॉरिटी मैनेज कर रही है। माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में वो कोई भी लोग अपने बोर्ड पे बिठा सकती है, कोई भी मेंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी का पार्ट हो चाहे वो मेजोरिटी का पार्ट हो, दैट डज नॉट मैटर। एंड द कोर्ट सेड कि अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, वी विल मेक इट गेट रिड ऑफ इट्स माइनॉरिटी स्टेटस जस्ट बाय द फैक्ट कि पार्लियामेंट ने उसको एस्टैब्लिश किया है, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 30 के अंदर जो माइनॉरिटीज के पास राइट है ऑफ प्रोटेक्शन, वो तो बिल्कुल चला जाएगा। दैट वुड स्टैंड डाइल्यूटेड इन द फेस ऑफ सच पार्लियामेंट्री डिक्लेरेशंस। कोर्ट ने एनालाइज किया दैट इम्पोजिंग सच अ कंडीशन ऑन इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट वुड वीकन द फंडामेंटल राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो यहाँ पर यह भी कॉन्टेंशन आया था कि जैसे DU है, BHU है, अगर आप देखोगे एंट्री 63, अभी हम आगे उसकी बात करेंगे, लिस्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात करती है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की, कि ये DU, BHU, AMU और कोई इंस्टीट्यूट जो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करता है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंस्टीट्यूट जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस माने जाएंगे। तो कोर्ट कहता है कि ठीक है, ये अगर पार्लियामेंट स्टेट की पावर है फॉर एस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशंस, दैट्स ओके, बट दिस पावर इज सेपरेट फ्रॉम द पावर दैट माइनॉरिटी इंजॉयज, द राइट दैट माइनॉरिटी इंजॉयज कि वो अपना इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो यहां पर दे से कि AMU कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, बट यहां पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला कि जो पावर है स्टेट और यूनियन की जो एग्जिस्ट करती है शेड्यूल्ड लिस्ट के अंदर, और माइनॉरिटी राइट्स जो एग्जिस्ट करते हैं, दे कैन ओवरलैपिंगली एग्जिस्ट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और जस्ट बिकॉज इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डजंट मीन कि उसका माइनॉरिटी स्टेटस उससे छिन जाएगा। नथिंग प्रिवेंट्स अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बीइंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। द क्वालिटी इज डिनोटेड बाय द टर्म नेशनल एंड माइनॉरिटी, अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हुई। पहली बात हुई थी आपने देखा यहाँ पर हमने बात करी थी इनकॉर्पोरेशन और एस्टैब्लिशमेंट की, दूसरे जो वर्ड्स पकड़े हैं वो है नेशनल और माइनॉरिटी की, ये दोनों एट ऑड्स है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, एंटीथेटिकल नहीं है, आप इनको ओवरलैप कर सकते हो। कोई इंस्टीट्यूट अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब कि पैन इंडिया उसका रिकॉग्निशन है और वो एग्जिस्ट करता है इन द माइंड्स ऑफ पीपल पैन इंडिया, एंड रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं वो उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसमें उनके राइट्स इन्वॉल्व है, वो हो गया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो ये बातें साथ में एग्जिस्ट कर सकती हैं। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर अजीज बादशाह की जजमेंट को ओवर रूल किया गया, AMU वाली जो जजमेंट थी, AMU वर्सेस मले वाली जजमेंट भी 2006 की ओवर रूल हो गई, 2019 की जजमेंट जो हम प्रेजेंट में कंसिडर कर रहे हैं AMU वर्सेस नरेश अग्रवाल वाली, उसमें फाइनली कोर्ट ने ये बोल दिया कि अब ये सारे ये जो कनेक्टेड मैटर्स हैं, कोर्ट हैज सेड दैट AMU इंजॉयज अ माइनॉरिटी स्टेटस, और आप बाय सेइंग दैट इट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू आया है, डज नॉट मीन कि उसका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो डाइल्यूट हो गया। बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट में ही आपने देखा कोर्ट ने बोला था कि ये देखा जाएगा हु इज द ब्रेन बिहाइंड द इंस्टीट्यूशन द यूनिवर्सिटी। सो दैट इज इट, ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और
ऑल्सो अदरवाइज अगर आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं एंड यू वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड विद व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री, तो भी ये केस आपके लिए जानना जरूरी है. ऐसे और भी हम केसेस लेके आते हैं, नॉट जस्ट केसेस, जो भी लीगली इंडिया में हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं वो हम कवर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी और अपने इंस्टाग्राम चैनल पर भी. सो मेक श्योर आप दोनों जगह पे हमें फॉलो कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमें सब्सक्राइब भी किया हुआ है.